ये 40 सीसी कोरेक्स कप सिरप 2500 रुपया कीमत के गांजा के साथ आरोप इनका ही सराई पुलिस धय दबोचा थी। यह पूरा मामला सराई थाना क्षेत्र के आए बतावा जात है कि सराई थाना क्षेत्र में ही स्कूल कॉलेज बाजार एवं गांव बस्ती में ही पुलिस अधिकारी द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता के कार्यक्रम चलावा जा लाग। यह क्रम में ही नशे के अवैध व्यापारी एवं कारोबारी के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा लागी। गुरुवार का ही मुखबिर से सूचना प्राप्त होती कि ग्राम पापल में ही एक व्यक्ति काफी समय से राज्य में ही प्रतिबंधित मेडिसिन कोडीन युक्त कफ सिरप का ही अवैध व्यापार में ही संलिप्त है। मुखबिर की सूचना से ही वरिष्ठ अधिकारी का अवगत करवावा जात है और मौके में पहुंचे खातिर पुलिस टीम के गठन की जात है। मुखबिर की सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी का ही एक हर जानकारी दी जाती और मौके पर पहुंचे खातिर पुलिस टीम के गठन की जात है। बतावा जात है कि ग्राम पापल में ही एक व्यक्ति सफेद रंग के प्लास्टिक के झोला में नशीली कप सिरप का लिए रात है। जब उनसे नाम पूछा गया तो वह अपन नाम योगेश कुमार गुप्ता पिता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पापल थाना सराई जिला सिगरौली के हो बतावत है। जौने के पास से ही जब झोला की तलाशी ली जाती तो वह झोले के अंदर 40 नग मादक द्रव्य कोरेक्स हो पावा जात है। जौने में ही उक्त सिरप के संबंध में ही वैधानिक दस्तावेज नहीं मिलता ही आरोपी के पास आरोपी का ही 822 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जात है। गिरफ्तार करके ही आरोपी का न्यायिक हिरासत में भेज दी जात है। यह समय ग्राम हरदी में ही एक आरोपी राम सिंह गोड़ पिता कुमारी सिंह गोड़ उम्र 50 वर्ष निवासी हरदी थाना सराई जिला सिगरौली के कब्जे से ही 250 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किएगा। एहू वही 820B के तहत NDPC एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। यह पूरे कार्यवाही में ही थाना प्रभारी सराई नेहरू सिंह खंडा थे सहायक उप निरीक्षक विश्वास नाथ रावत प्रधान आरक्षक आशीष त्रिपाठी आरक्षक अनुराग मिश्रा ओम प्रकाश शर्मा हरिभजन सिंह के महत्वपूर्ण भूमिका रहा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखा तरन बाढ़ टाइम्स में बघेली सभा जय।